आज करने वाले हम अपना क्लास 8th शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारी ये फर्स्ट वीडियो है, हम इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स के बारे में, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर काउंटिंग नंबर, जिससे आप काउंट करते हो, 1, 2, 3, 4, ये सभी के आपके नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर है? और अगर हम बात करें आपके होल नंबर्स की, ठीक है, अगर आप नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड कर देते हो तो वो बन जाएंगे आपके होल नंबर। ओके फ्रेंड्स, और इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होता है, अगर आप होल नंबर्स ले लें और उसके साथ साथ एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर, एडिटिव इनवर्स कौन से होते हैं, जो माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है तो यह क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, यानी कि नेगेटिव नंबर ले लीजिए इंटीजर आपके नेचुरल नंबर्स के और होल नंबर्स को सारे ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा -2, -1, उसके बाद 0, ओके, एंड 1, 2, 3 एटसेट्रा, ये सारा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स जो आपके होंगे, रैशनल नंबर क्या है, ऐसे नंबर्स जो आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ओके, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, ठीक है, वो 0 नहीं हो सकता, अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो दीज आर रैशनल नंबर्स। नाउ हम बात करते हैं अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, पहले क्योंकि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम वो स्टार्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहता है, अगर आप कोई दो नंबर्स लेते हो किसी फाइनाइट सेट से तो उनके अंदर आप फंडामेंटल ऑपरेशन लगाते हो तो आंसर भी उसी सेट में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैंने ए और बी दो नंबर लिए हैं और कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन लिए, फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, इन चार ऑपरेशन में से कोई भी ऑपरेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो जो आंसर आएगा सी, वो भी कहां अप्लाई करना चाहिए, होल नंबर में, ठीक है। अगर मैं ए और बी होल नंबर से लेता हूं तो इनके अंदर फंडामेंटल ऑपरेशन लगाने के बाद आंसर जो आएगा वो भी क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आइए देखते हैं कि होल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है और कौन सी नहीं करती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एडिशन के बारे में, अगर मैं 2 और 3 दो होल नंबर्स ले लूं और उनको ऐड करूं, आंसर क्या आ रहा है, 5, विच इज अ होल नंबर। तो एडिशन के अंडर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है, इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, हम लिखेंगे होल नंबर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन। क्लियर है? इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए, फॉर एग्जांपल 2 माइनस 3, क्या आंसर आ रहा है, -1, 3 और 2 दोनों ही क्या है, होल नंबर, बट -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो यहां पर ये सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, तो उस केस में क्या लिखेंगे, होल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, अंडर सब्ट्रैक्शन। तो कैसे लिखना है वो इन दो एग्जांपल से पता चल जाता है। अगर इंटीजर की बात करेंगे तो वही आ जाएगा, इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, और अगर नहीं होगा तो आर नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, या जो भी आपका यहां पे हम अप्लाई करने वाले जिनके बारे में। अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 हो रहा है। अगर डिवीजन की बात करें तो 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज अ रैशनल नंबर, सो ये क्लोजर नहीं है क्योंकि रैशनल नंबर आगे डिवाइड करने से, देखिए आपको जब ये आप देखते हैं तो हर एक एग्जांपल पर होना चाहिए, कोई एक एग्जांपल भी उसे डिसओबे नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं वही केसेस ले रहा हूं जो उसको डिसओबे करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर इंटीजर्स की बात करें तो ऐड जब करते हैं, 2 इज इंटीजर, 3 इज इंटीजर एंड 5 इज आल्सो इंटीजर, तो इंटीजर भी क्या है, क्लोजर होंगे।
और सब्ट्रैक्शन में देखिए 2 माइनस 3, 2 इज इंटीजर, 3 इज इंटीजर, माइनस 1 इज आल्सो अ इंटीजर, सो इट इज क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन में भी सेम है, 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक है, लेकिन 2 बाय 3 इज अ रैशनल नंबर, इंटीजर नहीं है, लेकिन 2 और 3 क्या है, इंटीजर, 2 बाय 3 क्या है, रैशनल नंबर, यानी कि आंसर इंटीजर नहीं आया, तो क्या है आपका क्लोजर नहीं है। अगर रैशनल नंबर के बारे में बात करें, रैशनल नंबर में अगर एडिशन की बात करें, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1/2 + 1/2, तो आंसर क्या आया 1, विच इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्लियर है। अब माइनस करके देख लो, 1/2 - 1/2 आंसर क्या आ जाएगा 0, विच इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ओके नाउ मल्टीप्लीकेशन, 1/2 × 1/2 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 1/4, सो इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब डिवीजन की बारे में बात करते हैं, डिवीजन में सिर्फ एक स्पेशल केस है जिसके कारण क्लोजर नहीं हो सकता, वो कौन सा केस है, वो ये केस है 1/0, 1 क्या है आपका रैशनल नंबर है, 0 भी क्या है रैशनल नंबर, लेकिन 1/0 क्या है नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए यहां पर भी डिवीजन में क्लोजर नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहता है, अगर आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है, आपने इसके अंदर कोई फंडामेंटल ऑपरेशन लगाया, तो आंसर जो भी आएगा वो सेम रहना चाहिए अगर आप इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं, दैट मीन्स बी एंड ए, फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 = 5 या फिर 3 + 2 = 5, ठीक है, तो इस तरीके से इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव। अब देखते हैं कि आपके होल नंबर्स इन चार प्रॉपर्टीज में से किसके अंडर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं, तो देखिए यहां पे मैंने दिखाया है जैसे कि एडिशन में क्या है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा, इसी तरीके से इंटीजर्स भी शो करेंगे एंड रैशनल नंबर्स भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करेंगे अंडर एडिशन। तो आप कह सकते हो एडिशन, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव, क्योंकि अंडर एडिशन सभी क्या है कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करे। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, देखिए 2 - 3 का आंसर क्या है -1, और अगर इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए जाए तो 3 - 2 = 1, आंसर दोनों ही क्या है अपोजिट है, गलत है ना, दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, एक आंसर तो नहीं ना, सेम आंसर नहीं आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट होल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, एंड सेम वे में इंटीजर्स और सेम ही वे में आपके रैशनल नंबर, बिकॉज 2 and 3 होल नंबर भी है, 2 and 3 आपके इंटीजर्स भी हैं और 2 and 3 आपके रैशनल नंबर भी है, तो एक ही एग्जांपल सब पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6, आंसर सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे होल नंबर्स शो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप ये भी कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, और अगर जैसे सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्लियर है। डिवीजन में भी सेम है, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है, तो आंसर क्या है अलग आ रहा है। ओके तो ये भी क्या है आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है, डिवीजन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी नहीं होती, किसके अंदर होगी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के अंदर। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में आपके पास अगर तीन नंबर हैं और तीनों पर आपने कोई फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो इसमें आपको यह देखना है कि अगर आप इनके सोल्व करने के ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया ए और बी को सोल्व कर लिया, उसके बाद देन जो आंसर आया उसको सी के साथ सोल्व किया, या फिर हो सकता है आप पहले क्या करें बी और सी के साथ जो ऑपरेशन था उसको सोल्व करने के बाद ए के साथ सोल्व करें, यानी कि आपने सोल्व करने के ऑर्डर को चेंज कर दिया। अगर ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा एसोसिएटिव, अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है तो आपका जो ये दिखाई दे रहे हैं ये क्या है एसोसिएटिव
नहीं होंगे, ठीक है. दीज फंडामेंटल ऑपरेशंस विल नॉट बी एसोसिएटिव इफ द आंसर विल नॉट बी सेम. ओके, नाउ अगर हम ट्राई करें 2 + 3 + 4 क्या आंसर आएगा, 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, ठीक है. नाउ अगर हम यहां पर देखें 2 + 3 + 4, 3 + 4 = 7, 7 + 2 = 9, तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो हम कह सकते हैं होल नंबर्स क्या है, एडिटिव, अंडर एडिशन क्या है, एसोसिएटिव. होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, या फिर आप ये भी कह सकते हो एडिशन इज एसोसिएटिव. सेम केस आपका इंटीजर्स में रहेगा और रैशनल नंबर में भी रहने वाला है. अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, अगर क्या ये भी आपका पॉसिबल है तो देखते हैं. 2 - 3 and - 4 और इसको अगर हम चेंज करें तो 2 - 3 - 4, तो आंसर देखते हैं क्या आएगा. देखिए मैंने साइन चेंज नहीं किया, बस उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया. अब 2 - 3 का आंसर क्या आएगा, -1, और बाहर क्या है, -4, तो आंसर हो गया -5. यहां पर क्या है, 2 - 3 - 4 क्या आएगा, -1, -2 + 1 = 3, आंसर इज चेंज्ड. ठीक है, आंसर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है. इसलिए हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव अंडर ऑल थ्री सेट्स, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, तीनों में ही सब्ट्रैक्शन क्या है आपका, एसोसिएटिव नहीं है. सेम अगर आप इस तरीके से एग्जांपल अप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव रहेगा बट डिवीजन एसोसिएटिव नहीं रहेगा. ओके फ्रेंड्स, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. नाउ अगर हम बात करें अपने क्वेश्चंस की, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो बता देता हूं. एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आप किसी नंबर में फॉर एग्जाम्पल ए में कुछ ऐड करेंगे और आंसर दोबारा से ए आ जाएगा, यानी कि आंसर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा. उस नंबर को जो यहां पे ऐड होगा उसे बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, विच इज ऑलवेज 0, बिकॉज 2 + 0 = 2, सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक ऐसा नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर के साथ और आंसर फिर भी सेम रहेगा. अब यहां पे 0 नहीं आ सकता बिकॉज 2 × 0 = 0, तो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों क्या है, अलग है. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या रहेगा, 1, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1. ओके, नाउ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको दूसरे नंबर में ऐड करने से आंसर 0 आ जाए. फॉर एग्जांपल 5 है, 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो जो भी आंसर रहेगा वो क्या कहलाएगा, 5 का एडिटिव इनवर्स. और सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज ऐड करने से तो हमें 0 नहीं मिलने वाली, हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल -5 को ऐड करेंगे जिससे वो क्या बन जाएगा, +−5, 5 - 5 = 0. तो आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह सकते हो कि किसी भी नंबर का नेगेटिव, अगर हम उस नंबर के सामने नेगेटिव साइन ले ले तो उसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा. और रेसिप्रोकल क्या कहलाता है आपका, रेसिप्रोकल होता है अगर आप उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास a अपॉन b एक नंबर है और इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल का सिंपल सा मीनिंग क्या है, इसे आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज कर देना है, b बाय a. ठीक है, अब इसमें क्या खासियत है, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, बिकॉज b से b कैंसिल और a से a कैंसिल. ओके, सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स. ओके, नाउ हम अपने बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर सबसे पहले कहा गया राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. एडिटिव इनवर्स देखना है, तो अभी मैंने बताया एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर. ठीक है, हेयर यहां पे ए पार्ट के लिए अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, नेगेटिव ऑफ 7/5, तो नेगेटिव ऑफ 7/5 क्या होगा, -7/5. ठीक है, विच इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/5, हेंस -7/5 इज एडिटिव
इनवर्स ऑफ 7/5। इतना क्लियर है? अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट को। अगर ये आपका -6/11 क्या है, एक नंबर है, तो इसका माइनस साइन क्या करोगे, एक अलग से माइनस साइन लेना पड़ेगा, ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6/11। 6/11 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -6/11। नाउ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपको कहा गया माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपको वेरीफाई करना है और इस एक्स की वैल्यू के लिए। ओके, ट्राई करते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या है, माइनस एक्स होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग सॉल्यूशन में टेकिंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड वी गेट माइनस एक्स इज इक्वल टू -11/5। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो हमें क्या मिल रहा है यहां पे, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ -11/5 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 11/5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 11/5 का आंसर क्या था, x पहली इक्वेशन में, ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 11/5 की वैल्यू रख देंगे यहां पे x, हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और ये आपका होमवर्क है जो आपको सेपरेट नोटबुक में करना है। ओके, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।